आए। ये मेला क्या है ना, शाम के टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेला बहुत बड़ा है, लगभग मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के लगभग आसपास यहाँ पर मेला लगता है, अगर चारों तरफ का एरिया जोड़ लिया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पंकज, आप सभी का पंकज गांव वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी चल रहे हैं जवदहा का मेला, जो कि दूसरा दिन है। कल मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है कि जगदम्बनी वहां पर जो लोग स्नान करते हैं उसकी कहानी क्या है, उसी दिन लोग क्यों स्नान करते हैं। अब सारा वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अभी चल रहे हैं जवदहा का मेला, अभी वहाँ का कुछ सीन आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए मेला घूम के आते हैं। चलो भाई अरशद भाई, अभी हमारे साथ अरशद भाई हैं, बड़े भैया तौफीक भैया हैं, राहुल भाई हैं, आपका क्या नाम है? आवेश है, मुंबई में रहते हैं, मुंबई से मेला देखने के लिए गाँव आए, और वहाँ पर जाना तो लोगों को दिखाना है मेला गाँव का, ठीक ना भाई? चलो दिखाएंगे, सब लोग आओ देखो हमारे चैनल पे, इस मोस्ट अमेजिंग वीडियो। चलो ठीक है। ठंडी का मौसम है लेकिन लोग जूस बेचते हैं। अभी देखो इधर मार्केट, देखो इस तरह गली, बहुत सारी गलियां अभी आपको दिखाएंगे जिसमें सामान लगा हुआ, लोग बेच रहे हैं दुकानें। अभी अंदर भी घुसेंगे लेकिन अभी बाहर बाहर का सीन आपको हम दिखा दे रहे हैं। अभी आज मेले का दूसरा ही दिन है, यहाँ पर तीसरे दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अभी मैं शाम को आया हूँ वीडियो शूट करना था, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कल आपको वीडियो में दिखाया था जगदम्बनी का स्नान, आज आपको मेला दिखा रहे हैं। ये जवदहा का मेला है, यहाँ पर देख लीजिए मेले के चारों तरफ से स्टैंड लगा दिए गए हैं और सब यहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ा करते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी लोग, कुछ लोग शाम को घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग दिन में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर दिन में ही भीड़ होता है। अभी शाम का समय है, लगभग यहाँ पर 5 बज चुके हैं। इधर भाई पत्थर तक कहाँ से आओ भाई, दुकान ले गए साहेबगंज से आए हो? चलो ठीक, देख रहे इधर पत्थर का दुकान है, सब गली अलग अलग है, सिर लोढ़ा चकरी सब आपका ले लिए हैं, परेशान रहो आपका वीडियो, एक वीडियो पड़ चुकी है देखो। अभी लकड़ी के सामान के अलग दुकान लगता है, उसकी अलग गली होती है, उसके बाद पत्थर का यहाँ पर अलग होता है। देखिए मूर्ति इस तरह भगवान भगवान के लगा दिए, लोग ले भी जाते हैं, अलग अलग गली है यहाँ पर, देख रहे हैं काफी पुराना मेला है ये। ये भाई देख रहे हैं इस तरह से कलाकारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। आइए इधर आइए वीडियो में, बोलिए बाबा क्या नाम है आपका? बाबा जी श्री राम। आप किसका रूप धारण किए हैं इस समय? जमराज का बाबा। जमराज का, यमराज का बाबा, यमराज का रूप धारण भी करना चाहिए, क्योंकि कल भैया भाई दूज था, यामी द्वितीया था, उस दिन यमराज की लोग पूजा करते हैं, ये यम का रूप धारण किए हैं, उन्हीं यमराज का रोल धारण किए हुए हैं। ऐसे ऐसी कलाकृत मेले में आपको देखने को भी मिल रही है। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just. बड़े बिलना मूसर ले घो ले लिया, बाद में कहा कि मेलम बताया नहीं। कहाँ घर अभी आपके? कुशवापुर। बर्तन वर्तन इधर बेच रहे हैं, सबका अलग अलग अपना गली है अलग। सब दुकानें यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयरन की सभी दुकानें, लोहे की सभी दुकान है, जैसा मैंने बताया कि सबकी अलग अलग गली है। लकड़ी के लिए अलग गली दुकानें लगी हुई हैं, बॉक्स के लिए अलग दुकानें लगी हुई हैं, लोहे के लिए अलग लगा हुआ है। एक दुकान किसकी है भाई, कहाँ से आए हो आप? प्रतापगढ़ से आए हो, कौन सी दुकान है आपकी? ये कौन सी दुकान, क्या क्या अभी तालाब लगे प्रतापगढ़ में? कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ बेगमवाड़। अच्छा अच्छा प्रतापगढ़ शहर से आए हो, देख रहा हूँ कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर दुकान ले। देखिए ये रायबरेली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेला लगा हुआ है,
बगल में प्रतापगढ़ जिला शुरू हो जाता है, जो चौदहा है इसके बगल प्रतापगढ़ शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है ये। मतलब ऐसा भैया घर गृहस्थी के सामान हो के जैसे शादी ब्याह हो सब काम के नहीं ना, ठीक है ना। लेकिन जिसको तो लेना हो आके ले सकता है, मेले में यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, खरीदारी भी करते हैं। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ झूलना झूलवा, ये मेला क्या है ना, शाम के टाइम में यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मेला बहुत बड़ा है, लगभग मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के लगभग आसपास यहाँ पर मेला लगता है अगर चारों तरफ का एरिया जोड़ लिया जाए। अभी क्या है, मैं शाम को आया हूँ इसलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम हो गया, थोड़ा वीडियो बनाने भी बजा रहा। दिन में यही अगर मैं वीडियो बनाता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती। झूला वूला लगा हुआ है यहाँ पर, मेला स्टार्ट हो गया, 5 दिन का मेला होता है, आज दूसरा दिन है। कल जगदम्बी का दिन था, वो मैंने आपको दिखाया था, आज यहाँ पर दूसरा दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। राहुल झूलाऊ कहा है, मजा आए भाई जान ले। अभी क्या नाम है आपका? फिरोज खान। कहाँ से आए भाई? मैं हमीरपुर। हमीरपुर से आओ, इतनी दूर मेला के लिए? कितने साल से यहाँ पर आ रहे हो आप? अभी तो फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हो। अच्छा कौन कौन सा झूला है आपका? मेरा ये बड़ा वाला है, ये भी लगाए। अच्छा तीन झूला लगाए। राहुल इधर दिखाओ। कहाँ है? हमीरपुर आए, उत्तर प्रदेश में ही हमीरपुर। देख रहे हैं एक झूला इनका ये लगा हुआ है, दूसरा झूला ये लगा हुआ है, और तीसरा झूला उधर लगा हुआ है, उधर वो पानी में बोट वाले बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है इनके पास तीनों सिस्टम है, जो आसमान में झूलना चाहते हैं वहाँ झूल सकता है, जो बच्चे इसमें कूदना चाहते हैं इसमें कूद सकते हैं, और कुछ थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं जो बोट में तैरना चाहते हैं वहाँ भी तैर सकते हैं। अभी हम भी झूलेंगे, अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी चल रहे आए तो पहले झूल, अभी मेला घूम ले रहे हैं, नहीं अंधेरा हो जाएगा। अभी आएंगे यहाँ पे झूले का भी सीन दिखाएंगे, इसके ऊपर से बैठ के आपको चारों तरफ का भी सीन दिखाएंगे। अभी आते हैं भाई, अंधेरा हो जाएगा। यहाँ हमीरपुर से कोई आया है, कोई कानपुर से आया है, बहुत दूर 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 से लोग यहाँ पर आए हैं। भैया मेला है, 5 दिन मेला लगता है, 6वें दिन यहाँ पर लकड़ी वकड़ी सामान फर्नीचर सामान बिकता है, तो लोग आते हैं देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी शाम का टाइम है, वीडियो वीडियो थोड़ा बनाने में भी मज़ा आ रहा है। ये ब्रेक डांस है, ब्रेक डांस लगा हुआ, अभी चलेगा तो इसको यहाँ पर दिखाएंगे, अभी तो बंद पड़ा हुआ है। लोग मेला आते हैं तो खाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो अगर आप मेला है तो खाने पीने थोड़ा कम जोर दिया करें, घूमने में ज़्यादा फोकस किए। मेले में लोग घूमने के लिए आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत खा लीजिए, अगर आप खाएंगे ही तो मेले का एंजॉय नहीं ले पाएंगे। तो मेले यहाँ तो यहाँ पर घूमे ज़्यादा ये चीज़ें आपको दिखेंगी। कहाँ से आओ भाई? इस्लामपुर बाजार संग्रामगढ़ प्रतापगढ़। अच्छा संग्रामगढ़ से आए हो? संग्रामगढ़ से आए। कितने साल से दुकान यहाँ लगा रहे हो? मेला भी पहली बार कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हो? पहली बार कर रहे हैं। बिगिनर हो यानी मेला के लिए? हाँ चलो ठीक है, लगाते रहो। कितने के सामान लेके आते हो डेली यहाँ का? भैया कितने के सामान खरीद के आते हो? अभी तो लाया थोड़ा, पहला दिन है मेला के। अभी लगभग कितनी कमाई हो जाती है छोटे से दुकान से? कुछ खर्चा पानी निकल आता है? नहीं निकल आता? हाँ निकल जाता भैया जी। अभी लगभग अभी तो आज शुरुआत ही हो रहा है। हाँ कल 2-4-5 सौ धंधा हुआ था, तो 5-7 सौ धंधा हुआ, तो ज्यादा लोग आए होंगे। हाँ भैया कल तो तीसरा दिन और ज्यादा, यहाँ कल तो बहुत भारी भीड़ होगी बोल रहे हैं। ठीक है 5-6 दिन का मेला है, कुछ खर्चा पानी निकालो इसी तरह। ठीक है भैया जी। जादू कर रहे हैं, जादू दिखाते हैं ये। जादू कर आपको दिखाएंगे पेपर मिस्ट्री, ये देखो शुरू हो गया। और यहाँ पर ऐसा भाई हम ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी अपनी यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, यहाँ पर करिए चौकी में रहते हैं भाई साहब। होने लगा चालू, पहला एकदम पहला खून शुरू होने लगा। चलिए भाई आगे जादू का आगे। सब भैया जादू आदू दिखा। इस तरह देख रहे हैं चारों तरफ से, यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, चारों तरफ से सजा गया, काफ़ी दूर मेला लगता है ये। और आज ही नहीं, हमारे पापा बताते हैं कि हमारे बापा के ज़माने में लगता था, पापा बता रहे हैं हमारे बापा के ज़माने में लगता था, पता नहीं सैकड़ों साल पुराना ये मेला है, ऐसा नहीं कि नया मेला है कोई। Hold on, just let us escape and fly away tonight. भैया मुगराबाद सापुर जिला जौनपुर। जौनपुर से आए हो भैया? पूर्वांचल से आए हो? धनंजय सिंह को जानते हो? जी हाँ सर, धनंजय सिंह जानते हैं। कौन है? मंत्री है। अच्छा अब तो नहीं है, पहले थे कभी? पहले थे, अब नहीं है। जौनपुर से आओ जी। ये
कल आए थे, परसों आए थे? नहीं, हम तो 21 तारीख के यहाँ आके झूला लगा दिए थे। झूला चल रहा है बढ़िया आपका? बढ़िया चल रहा है, जिस हिसाब से गाउंटी एरिया है उस हिसाब से सही चल रहा है। कितने बच्चे आ गए होंगे आज? अभी तक तो लगभग 120-115 तक बच्चे आ गए। एक बच्चे का कितने फीस लेते हैं? 10 रुपए, 5 रुपए। कुछ कमाई हो जाती है नहीं हो जाती? हो जाती है, अब हो जाती है, 1500 कमाई हो जाती है। आज कितनी अर्निंग हो गई? अर्निंग तो हो गई होगी तो 1300-1400 तक। अभी आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहे, कल भीड़ रहेगी। जी जी। कितने साल से दुकान यहाँ पर ला रहे हो? यहाँ पे ये पहला साल है। अच्छा, अभी बिगनर है, पहला साल लेके आए हैं। अगर अर्निंग इनकी होगी तो अगले साल भी आएंगे क्यों भाई? जी जी, तो ठीक है। बड़े, अरे इधर देखो, बड़े देख रहा हूँ, बड़े। क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ सैफे, क्या हाल है? अरे मिथुन भाई, क्या हाल यहाँ है? हाँ भैया, देख रहे हो मिथुन भाई को आ रहे हैं? क्या क्या बोले थे? क्या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न तो पिक्चर में बोले, गांव का बोले मकाई, मकाई देखना चाहेंगे। अरे ये तो छोटी मोटी चीज खा रहे हैं, इस हिसाब से शरीर नहीं बनी है, इतनी विशाल का है शरीर। क्यों मिथुन भाई, जिम की मेहनत है और देसी शरीर रही थी? क्या नाम है? विकास मिश्र। आपका क्या नाम है? विवेक मिश्र। कहाँ घर है भैया? मठिया। मठिया, अच्छा अच्छा। अरे यार विकास मिश्र भैया, हमारे रोज स्टेट ऑफ हाल लगा। हमारे भैया ग्राम सभा के हैं सब। इनके सब घर कहाँ है? सब भैया नारायण बाहर है, दोस्तों को ना रहे हैं। मेन चीज है ना, हमारे गांव के पास का मेला जो सब लोग मिल रहे हैं, सब स्थानीय ही है। वैसा नहीं, अभी 5 दिन लगेगा मेला, दूसरा दिन है अभी। अभी कल का अपलोड कर दिए हैं, कल जगदम्बिक डाले हैं, आज मेले का है, कल फिर आएगा। ये 5 दिन मिलेगा फुल, फुल। क्या नाम है आपका भैया? ये मेरा नाम दीपक पांडे, करैया बाजार से। करैया बाजार के रहने वाले हैं पांडे जी। इनका भाई साहब क्या नाम है? भाई पिंटू है हमारे। पिंटू कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी करैया बाजार में हमारे बगल, ये शर्मा स्टूडियो। अरे यार ये तो जान पहचान के हैं, ये तो कंपनी के ही है सब। ये भैया मोनू भैया है, कहाँ पर रह रहे हो जी सर? मोनू भाई हमारे रिश्तेदार हैं, दिल्ली से आए मेला घूमने के लिए। केवल आए, दिवाली आए, तब मेला घूम के जाएंगे क्यों मोनू भाई? और बढ़िया है। विनायक इधर आओ, विनायक भाई हमारा चैनल देखते हैं क्यों विनायक भाई? ये हमारे सारे वीडियो लगभग विनायक भाई देखते हैं। ये अभी मेला घूमने के लिए आए हैं, साथ मोनू भाई हैं, सुमित भाई हैं, सभी लोग यहाँ पर मेला घूम रहे हैं। 30-30 सेकंड डाली तो साला 15 मिनट हो जाए। और कहाँ हाल है सुबह? ठीक है। और कहाँ रहा तुम पिछड़ गया? क्या नाम रखो? शुभम भाई है ना? जिमर। जिमर, हाँ जिम जाता, बॉडी डिमर दिया ही नहीं। जिमर भाई, हाँ नहीं भाई साहब, मैंने अभी जिम जाना शुरू किए हैं, 15 दिन हो गया। अब भाई साहब वाई साहब इनके आने में 2 दिन निकल लगेगा। बड़े पकड़े यहाँ भाई, तुम भी भाई का देख रहा हूँ, पूरा मेला आपको दिखा दे रहा है। यहाँ से बहुत दूर में कितनी दूर में दिखेगा भाई, 1 किलोमीटर से मेला लगा हुआ है ये। अरे भैया ये, अरे राम, अरे बड़े आपके, आप वीडियो बना रहे हैं, हमारा ध्यान तो घर लगा हुआ है, बड़े का ध्यान झूलना में लगा है, तो डर रहे हैं। अभी हम भी वीडियो बनाना बंद कर रहे हैं तो हम भी डरने लगेंगे। भैया लाए झूले है भैया, ये अभी अभी आ गया एक, कल आपको दिखाएंगे हम, कल ये मौत कुआं, बड़ा वाला कुआं आया कल। सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रहा है भैया। और भैया ठीक है, आज कुछ लोग आए थे नहीं आए थे? आज कुछ लोग आए थे नहीं आए थे? ठीक चला, कल जब बढ़िया चलेगा, कल और अच्छा चलेगा। ये भैया फिरोज खान जी हैं, हमीरपुर से आए हुए हैं। ये यहाँ पर ये टिकट काटते हैं काउंटर। ड्रैगन है ये? अच्छा अच्छा, ड्रैगन उनका भी। क्या नाम है आपका? बब्बन सिंह। बब्बन सिंह, और आपका क्या नाम है? शान मोहम्मद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैश। सभी लोग यहाँ हमीरपुर से हैं। अच्छा भाई, जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ पर आप जाते हैं? बड़ी बड़ी जगह तो आज के बाद जो खुजवापुर का मेला लगता है वहाँ पर आप जाते हैं? हमारा नहीं जाता, दूसरी जगह। अच्छा दूसरी जगह जाता है, चलो ठीक है, बढ़िया है भाई। तो आज कुछ काम हुआ कि नहीं काम हुआ? ठीक, नुकसान तो नहीं हो रहा आपका? नहीं नहीं नहीं, निकल आएगा ना खर्चा पानी? चलो ठीक है भाई, मेहनत करते रहो, अभी तो आज दूसरा दिन है, कल बहुत ज्यादा भीड़ होगी यहाँ पर। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर? अभी तो फर्स्ट ईयर। अच्छा जाए तो लोग यहाँ पर बिगनर ही मिल रहे हैं, ठीक है भाई। प्रिंस बंसल के नाम से बना रहा है। किस नाम चैनल है आपका भैया? प्रिंस बंसल के नाम के चैनल है इनका।
इतना छोटा सा बच्चा देखो, लोगों को मोटिवेशन यहाँ सीखना चाहिए। जो लोग खाली रहते हैं, कौन सा किस टॉपिक पर है आपका ब्लॉग बनाते हैं या फिर साइंस के बारे में बताते हैं या एजुकेशन किस टॉपिक में ब्लॉग बनाते हैं? क्या नाम चैनल का? प्रिंस बंसल नाम का चैनल है। और कितनी साल आपकी एज है? 12 साल का बच्चा है और यूट्यूबर बनना चाहता है, इसका सपना है यूट्यूबर बनना। प्रिंस कौशल इसका चैनल का नाम है, ब्लॉग डालता है। कैसे ब्लॉग? प्रिंस बंसल नाम है, प्रिंस बंसल नाम है और ब्लॉग चैनल डाला इसका। किससे वीडियो काटते हो, एडिट करते हो? काइन मास्टर। वाह बहुत अच्छा, देखो छोटा सा बच्चा ने काइन मास्टर यूज़ करता है, बहुत अच्छी बात है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई भी करते होगे, थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाला करो, 4 से 5 मिनट का वीडियो डाला करो, डेली डाला करो। बड़े वीडियो डाल नहीं पाओगे 15 मिनट के ऊपर से, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, अभी अच्छे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है नहीं, तो मोबाइल से आप यूज़ करो ठीक है। स्टार्टिंग में 5-5 मिनट का डेली वीडियो डाला करो, ठीक है ना। अभी जैसे मेला घूमने आए हो, यहाँ पर डाल देते हैं मेरे गाँव का मेला, 5 मिनट घूम के वीडियो डाल देते हैं। इस तरह से वीडियो डालो, आगे भी बढ़ोगे, ठीक है भाई। अभी स्टार्टिंग करते रहो, 12 साल के हो, 3 साल तक मेहनत करते रहो, 15 साल होते होते तो कम से कम 2-3 लाख सब्सक्राइबर तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक। मेहनत करो, बड़े देखो बड़े खुश हैं भाई, बड़े खुश इसलिए हैं कि झूलना झूले हैं ये बड़ा वाला ये। और राहुल भाई झूलना डरते हैं, क्या हम झूला नहीं झूल पाएंगे? अभी डर रहे थे तो ये नहीं कहे, बड़े मुस्कान दे। राहुल देखो, राहुल असल में तुम्हारे हाथ रहे, बड़े तुम्हार लोग खुशी ही खुशी है। परमाल लेने बड़े का ताड़ा था, ताड़ा तो नहीं ना, बुढ़ाई गया है, खिलौने के चक्कर में ना रहा करा, ठीक है। हाँ पर दिवाली का टांगे वाला एक कैदी वाला अरुण भाई है, डांस बहुत तगड़ा करते हैं। और ये राहुल के दोस्त भी हैं, ये दुकान लगाए हैं, स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, 5 दिन का मेला है, 4 पैसे मिल जाए, काम भी कर रहे हैं। और देख लो राहुल भाई टिकिया खा रहे हैं, और बड़े को देखो बंदूक नीचे रखे हैं और दो दो छोला खा रहे, टिकिया खा रहे हैं, मतलब इतना भूखे हैं कि दो दो खा रहे, अरे सब एक एक खाओ यार। बड़े जलेबी में जोड़ दें, यहाँ कलगुड़ वाली खा रहे हैं, यहाँ चीनी वाली, इनके फ्लेवर बदल जाता है। कहो बड़े कजम तार तो मजा है, ढेला का रोज सारे पढ़ल सारे तो। अब अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, 6:30 बजे हैं, अब इसमें पूरा अंधेरा हो गया, सब चल रहे हैं मेला घूम लिए हैं। मेला यहाँ का दिन में लगता है लेकिन सब थोड़ा शाम को आए थे क्योंकि कुछ काम था। अब चल रहे हैं, आज दूसरे दिन का वीडियो आपको मिल गया, अब कल तीसरे दिन का डालेंगे। कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, दिन में यहाँ पर भीड़ होती है, शाम के टाइम थोड़ा भीड़ कम हो जाता है, इसलिए हम सब शाम को आते हैं कि ज़्यादा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज गांव वाला मेरी आईडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर आपको गाँव से रिलेटेड कुछ तरह चीज़ें देखने को मिल रही हैं और आपको गांव की यादें आ रही हैं, अगर आप बाहर रहें तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।